गजानन तुम शुभ करता विघ्न विनाशन गणेश लीला मैं सत्य हूं। यदि व्यक्ति सत्य का आश्रय लेकर जीवन पथ पर अग्रसर हो तो विपत्तियों को भी विकास की सीढ़ी बना सकता है। पहरेदारो, क्या है बोलो। अरे अब तक तुमने भोजन नहीं किया, पूरी की पूरी खास सामग्री बची हुई है। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे काशी नरेश और वो बालक महोत्कट मुझसे एकांत में आकर मिल ले, ताकि मैं उनसे कह सुनकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लूँ और अपने किए के लिए दंड भी निर्धारित कर लूँ। अरे दानवराज, ऐसी भी क्या शीघ्रता है? अभी तो आप आए हैं, तनिक हमें भी तो सेवा का अवसर दीजिए। देखो, अगर तुमने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की तो मैं यहीं पर सर पटक पटक कर अपना प्राण त्याग दूंगा। ठहरो, क्या कर रहे हो? मैं भी महाराज काशी नरेश और कश्यप नंदन महोत्कट को बुलाकर लाता हूं। तुम यहां का ध्यान रखो। ठीक है, मैं भी आता हूं। काशी नरेश, मैं और अधिक जीवित रहना नहीं चाहता। मैं आपके और इन कश्यप नंदन के चरण छूकर अपने प्राण त्याग देना चाहता हूं। मेरी अशांत आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं अपने आंसुओं से आप दोनों के चरण धोकर अपना मन हल्का कर लूंगा। नरांतक, इस तरह दुखी मत हो। सच्चे मन से अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर लेने से आधा प्रायश्चित हो जाता है। राजन, आपके और इन कश्यप नंदन के चरण छुए बिना मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। या तो आप मुझे बाहर बुला लें, या आप दोनों मेरे कक्ष में पधारें। सैनिक जी महाराज, इसे बाहर ले आओ। जो आ गया। तक दुष्ट दादा, क्या अभी भी तेरी असुरता ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा? दुष्ट, क्या तू अपने जीवन की आशा छोड़ चुका है जो तू इस छल प्रपंच का सहारा ले रहा है? धूर्त नरांतक, मैंने तुझे कब का मृत्यु दंड दे दिया होता, किंतु कश्यप नंदन महोत्कट के सुझाव पर मैंने तुझे मृत्यु नहीं दी। या? इस बालक की ओट में छिपकर रहने वाला तू, तो कहां मुझे क्या मारेगा? मैं तुम दोनों को अभी अपना पहुंचा देता हूं। Ah!
तीव्र वायु चल रही है, कहीं कोई अनर्थ तो नहीं होने वाला। शारदा क्या हुआ, क्यों रो रही है शारदा? देखो स्वामी, देखो अपने पुत्र को। न जाने किस दुष्ट ने इसका सर काट कर हमारे पास भेज दिया है। Ha ha ha!
स्वामी, स्वामी, स्वामी। धैर्य धारण करो प्रिय, धैर्य धारण करो। इसका हमें अंदेशा था, वही परिणाम सामने आया है प्रिय। कैसा अनर्थ, कैसा परिणाम स्वामी? शारदा, जो असुरी मार्ग निरांतक ने अपनाया था, उसका अंतिम परिणाम बहुत समय पहले मैंने सांकेतिक रूप में ये बता दिया था कि निरांतक और देवांतक अनुचित मार्ग पर जा रहे हैं, समय आने पर पता चल जाएगा। पता चल गया। आप पिता हैं, बुद्धि के आधार पर अपने पुत्रों की समीक्षा करते हैं, किंतु मैं माँ हूँ। माँ के लिए पुत्र पुत्र ही होता है, न असुर होता है न देवता होता है, केवल पुत्र ही होता है, समझे? नरांतक, तेरे बिना तेरी ये माँ जीवन कैसे काटेगी? जिसने मेरे पुत्र का वध किया, मुझे उसका कटा हुआ सिर चाहिए। देवांतर, देवांतर, मेरे पुत्र कहाँ हो तुम देवांतर? तुम्हारी ये अभागी माँ तुम्हें याद कर रही है देवांतर। महामंत्री जी। महाराज, सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी दृष्टि रखो, हमें तत्काल माता के पास पहुंचना है। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम माते। देवांतक, देखो तुम्हारे भाई को किसी ने मार डाला है, पुत्र देखो। भाइयों में अकेले रह गए हो पुत्र, अकेले रह गए हो। धीरज धारण करो माता, मैं जानता हूं कि किसने मेरे भाई का क्रूरतापूर्वक वध किया है, और आपको दुख पहुंचाने के लिए उसका कटा हुआ सिर आप तक पहुंचा दिया। पुत्र, मैं जान सकती हूं कि किस नराधम ने मेरे पुत्र का वध किया है? माते, ये जघन्य कृत्य काशी नरेश और उस दुष्ट बालक का है, जिसे लोग कश्यप नंदन महोत्कट कहते हैं। इन दोनों ने पहले भी हमारे अनेक असुर वीरों का संहार किया, किंतु इस बार मैं स्वयं उन्हें यमलोक का रास्ता दिखाऊंगा। पुत्र देवांतक, प्रतिशोध की भावना मनुष्य को सही निर्णय नहीं लेने देती। जो कुछ करना हो सोच समझ कर करना। पिताश्री, मात्र बुद्धि से लिए हुए निर्णय मनुष्य को द्वंद्वों में उलझा देते हैं। ये करूं या वो, ऐसा करूं या वैसा, यही बुद्धि की सीमा है। किंतु साहस, पुरुषार्थ और प्रहार क्षमता बुद्धि के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करते। जैसा तुम उचित समझो वैसा ही करो पुत्र। वत्स देवांत, तुम्हें मेरे दूध की लाज रखनी होगी, उसका ऋण चुकाना होगा। यदि तुम मेरे पुत्र कहलाते हो तो तुम्हें मेरा आदेश है कि मेरे पुत्र का वध करने वाले को मार कर उसका सिर काट कर मेरे चरणों में लापट को, तभी मुझे संतोष मिलेगा और मेरे नरांतक की आत्मा को शांति भी। मुझे शपथ है आपके दूध की और भाई नरांतक के बलिदान की, मैं आपके आदेश का पालन शीघ्र ही करूंगा और उन दुष्टों के सिर काट कर आपके चरणों में लापटकूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए माता। चिरंजीव भव, विजय भव पुत्र।
काशी की ये राज्यसभा कश्यप नंदन श्री महोत्कट की आभारी है, जिन्होंने काशी पर आए भारी संकट का निवारण किया है। दुष्ट नरांतक को मारकर पृथ्वी से असुरों का प्रभुत्व समाप्त किया। इतना ही नहीं, काशी के घर घर जाकर नव जागरण का शंखनाद फूका। काशी की मंत्री परिषद ये घोषणा करती है कि कश्यप नंदन बाल पुरोहित श्री महोत्कट को काशी शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया जाए। काशी शिरोमणि कश्यप नंदन की, काशी शिरोमणि महोत्कट की। मान्य काशी नरेश एवं मंत्रीगण, समय को ध्यान में रख के जो कार्य किया जाता है उसे कर्तव्य पालन कहते हैं। मैंने विशेष कुछ नहीं किया, केवल अपने धर्म कर्तव्य का पालन किया है। आप सबने मुझे सम्मान दिया है, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। नरांतक के मारे जाने से ये समस्या हल नहीं हुई। उसका भाई देवांतक, जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है, अब तक जीवित है। वो अपने भाई की मृत्यु से बौखलाकर कभी भी काशी पर आक्रमण कर सकता है। कश्यप नंदन ठीक कह रहे हैं, देवांतक का आक्रमण नरांतक से अधिक भयानक और घातक हो सकता है। महामंत्री जी। जी महाराज। काशी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाए, राज्य के चारों ओर गुप्तचरों का जाल बिछा दिया जाए, ताकि वे हमें पल पल की सूचना देते रहे और प्रजा को भी हर स्थिति का सामना करने के लिए सचेत कर दिया जाए। ऐसा ही होगा महाराज।